कौन सा बूथ है कौन सा बूथ कैमरा लाइट ना भला से बंद ओइबो इंडिया एंड डेमोक्रेसी में सबको वोट देना चाहिए, आपका अधिकार है, कोई भी पार्टी को देना है आप दीजिए, लेकिन ये आपका राइट है और आपको ये अधिकार एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं खुद आया हूँ, आई कम हियर टू वोट एंड एक्सरसाइज माय फ्रेंचाइज एंड आई अपील टू एवरीवन, कोई भी बुजुर्ग हो, यूथ हो, महिला हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, हमें डेमोक्रेसी, अगर हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को कायम रखना है तो हमें बाहर निकलकर अपना वोट देना चाहिए। बहुत टाइम बहुत लोग निकलते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि गर्मी बहुत, अरे वोट करने से क्या फ़ायदा है, एक पार्टी तो जीत रही है, लेकिन नहीं, आप सबको निकलना चाहिए। 5 साल में ये आपको चांस मिलता है, शांति से निकलिए, यहाँ में कोई वायलेंस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, अच्छे से निकलिए, अपना अधिकार आप एक्सरसाइज कीजिए और देश का डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कीजिए। ये एक फेस्टिवल होना चाहिए और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना। एनी मोर क्वेश्चंस? तो आई वांट द ऑपोजिशन टू हैव अ यूनाइटेड वॉइस। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि प्रियंका मेरी बहन है, राहुल मेरा भाई जैसा है, और प्रियंका वायनाड में CPM के खिलाफ अपने भाई को जिताने के लिए कैंपेन कर रही है और त्रिपुरा में CPM को वोट देने के लिए अपने भाई के अगेंस्ट कैंपेन कर रही है। तो कभी कभी दुख भी लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ उनका भी कंपल्शन है। आज कांग्रेस इतने ख़राब स्थिति में है तो उनको भी किसी का हाथ पकड़ना था, मैं समझ पाता हूँ, लेकिन दिल से मुझे यही लगता है कि अगर त्रिपुरा में एक अच्छा ऑपोजिशन निकलेगा तो वो कांग्रेस को खुद करना चाहिए, ना कि CPM के दबाव में या CPM के ब्लैकमेलिंग में। योहन्स, वन क्वेश्चन है, और देखो जो असेंबली में होता है वो नॉन नेसेसरली लोकसभा में होता है, सब लोग जानते हैं कि कौन जीत रहा है। तो बहुत लोग जो अपोजिशन के भी हैं वो भी नहीं निकल रहे क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कोई चांस नहीं है, लेकिन तभी भी मुझे लगता है कि जैसा थोड़ा सा गर्मी कम होगा शाम के समय में और लोग निकलेंगे, सवेरे तो लोग निकले थे, अभी क्योंकि गर्मी तो लोग कम निकलेंगे और 3 बजे के बाद और निकलेंगे, और मुझे लगता है कि इस बार पूरे इंडिया में एक डिसाइसिव विक्ट्री होगा, ये क्लियर बात है।